चलिए जान लेते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का किस तरह का फिक्स्चर रह सकता है। आईएसएल सीजन 6 खत्म होने के बाद किन किन टीमों के साथ उनका मैच होगा 2020 में। तो अभी इंडिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा धमाका लीग आईएसएल चल रहा है। आईएसएल का सीजन 6 हो रहा है और सीजन 6 खत्म होने के बाद अब ये क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट टीम इंडिया का मैच कब होगा, किन किन टीमों के साथ होगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में वही सब बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एएफसी एशियन कप में किस तरह से टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकता है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। आप चाहो तो उस लिंक में क्लिक करके देख सकते हो। अभी भी एएफसी एशियन कप 2023 में जाने के लिए टीम इंडिया के पास पूरा मौका है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 पे अब शायद टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर सकता है, इनके पास ना के बराबर चांस है। तो दोस्तों आप छोड़ ही दीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, हम फोकस करते हैं एएफसी एशियन कप में। तो दोस्तों आगे चलकर टीम इंडिया के साथ किन किन टीमों का मैच है वो अपडेट तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों फोराबेट। बहुत ही सही वेबसाइट है दोस्तों, यहां पर आप बेटिंग करके 100% चांस रहता है कि आप पैसा जीत जाओ। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, बास्केटबॉल में भी आप पैसा लगाकर बहुत सारे पैसे अपने अकाउंट में ले सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल आपको मिल जाता है पेटीएम के थ्रू। हाँ दोस्तों, पेटीएम के थ्रू आपको मिल जाता है। मिनिमम दोस्तों यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 300 रुपये। साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ लिंक में क्लिक करके आप अगर रजिस्टर करते हो तो आपको 300 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा। तो जरूर आप चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। बहुत ही सही वेबसाइट है बैटिंग करने के लिए। और अब चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया के फिक्सर के बारे में 2020 में। तो सबसे पहले दोस्तों आईएसएल सीजन 6 का जो लीग स्टेज का लास्ट मैच है वो होगा 2020 के 23 फरवरी को, और उसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा, फाइनल खेला जाएगा। तो आप ये पकड़ के रख लीजिए कि मार्च के पहले हफ्ते में ही आईएसएल सीजन 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेशनल टीम का जो कैंप होता है वो स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मैच खेला जाएगा दोस्तों कतर के विरुद्ध 26 मार्च को। टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगा, कौन से वेन्यू पर खेलेगा ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट मैच 26 मार्च को कतर के विरुद्ध टीम इंडिया खेलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 4 अप्रैल को फिर से बांग्लादेश के विरुद्ध एक और मैच खेलने वाला है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर राउंड का ही मैच रहेगा, साथ साथ दोस्तों एएफसी एशियन कप 2023 का भी मैच होगा। और इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया का नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2020 के क्वालिफायर राउंड का मैच होगा 6 जुलाई 2020 में, यानी कि 4 अप्रैल को मैच खेला जाएगा, उसके बाद 6 जुलाई को मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 3 महीने का गैप है और इन्हीं 3 महीनों में इगोर स्टिमाच ने एक जबरदस्त फिक्स्चर तैयार किया है। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों 4 अप्रैल को बांग्लादेश के साथ मैच खेला जाएगा और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शायद अप्रैल में या मई में खेला जा सकता है एक फ्रेंडली मैच क्रोएशिया के साथ। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, लेकिन अभी तक डेट सामने नहीं आया है। अप्रैल में हो सकता है या मई में हो सकता है, ज़्यादा चांस है दोस्तों अप्रैल में ही होने का। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर टीम ब्रेक ले सकता है मई के महीने में, और उसके बाद दोस्तों जून में एक ज़बरदस्त प्लान सेट किया है। यहाँ पर दोस्तों इगोर स्टिमाच टीम इंडिया को ले जाएगा यूरोप और वहाँ पर दोस्तों जाकर टोटल 10 फ्रेंडली मैच खेलने वाला है अलग अलग क्लबों के साथ, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इगोर स्टिमाच कुछ अलग सा ही कोच है, इससे पहले शायद इंडियन फुटबॉल में इस तरह का हेड कोच हमें नजर नहीं आया है, जो कि दोस्तों वाकई ही इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक बहुत ही बड़ा कोशिश है। अगर यूरोप में जाकर 10 फ्रेंडली मैच टीम इंडिया खेल लेता है तो दोस्तों टीम इंडिया के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, थोड़ा बहुत दोस्तों क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जो कि टीम इंडिया के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से पहले 6 जुलाई 2020 में। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट निकल के आया है। 6 जुलाई 2020 तक मैंने आपको फिक्स्चर बताया
और इसके बीच में अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आगे जाकर 6 जुलाई के बाद क्या होगा टीम इंडिया के साथ, कहां कहां मैच खेलेगा टीम इंडिया, इसके बारे में भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।